हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है रेलवे, भारतीय रेलवे की ओर से। इसमें जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई है, दो टाइप की पोस्ट हैं आप लोगों की, एक तो RPF में कॉन्स्टेबल की और दूसरी भर्ती आप लोगों की SI की। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है, देख लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को इसमें सब इंस्पेक्टर जो आप लोगों का SI होता है, दरोगा होता है RPF में, उसकी ये रिक्रूटमेंट है। कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कब से आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म है, ओपनिंग डेट 15 अप्रैल, यानी कल से आप लोगों का जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएगा। कल से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो 15 अप्रैल से लेकर के वो लास्ट डेट जो अंतिम तिथि रहेगी वो 14 मई रहेगी। तो 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक मींस एक महीना मिलेगा आप लोगों को इसका फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद अगर आप लोगों के फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है, उसको आप लोगों को ठीक करना है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच। तो ये था आप लोगों की इन्फॉर्मेशन कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो जो इसमें पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की है, लेवल 6 की ये जॉब होती है और 35,400 इसमें बेसिक होता है। सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितनी बनेगी, तो सैलरी आप लोगों की 60+ ही बनेगी, 60,000 के से अबव ही बनेगी आप लोगों की सैलरी। और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, B1 रहेगा। तो एक वीडियो में मैं आप लोगों को सारे मेडिकल स्टैंडर्ड बता दूंगा रेलवे में, क्योंकि मैं खुद रेलवे में एज ए गुड्स गार्ड की जॉब पर वर्क कर रहा हूं। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि रेलवे में किस पोस्ट पर कैसा कैसा मेडिकल होता है और उसका क्या स्टैंडर्ड रहता है। उसके बाद एज लिमिट क्या रखी गई है, 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और जो टोटल वैकेंसी है 452 वैकेंसी है, 452 वैकेंसी तो बहुत ही कम है जिस हिसाब से भारतीय रेलवे ऑल इंडिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैकेंसी कम रिलीज की गई है। तो ये वैकेंसी है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें, हाँ, तो जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली बेस्ड फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो एलिजिबिलिटी रहेगी उसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेड इज स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बी कैंसिल, तो आप लोगों को एक एलिजिबिलिटी होगी तभी आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। क्रूशल डेट क्या रहेगी फॉर SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो विल बी क्लोजिंग डेट। तो जो भी आप लोगों की 15 मई है, क्लोजिंग डेट 14 मई है, तो 14 मई आप लोगों की क्या रहेगी, एक क्रूशल डेट रहेगी। उस डेट तक आप लोगों के पास सारे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया जितने भी है डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। जो भी इन्होंने मेडिकल दिया है वो आप लोगों के लिए फिट होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा। एज कब से कब तक काउंट होगी, तो 1 जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक आप लोगों की एज जो है वो 20 साल से लेकर के 28 के बीच में होनी चाहिए। अगर 28 से ज़्यादा है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन OBC, SC, ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो है बाकी इन्फॉर्मेशन क्या आप लोगों को देनी है आफ्टर RRB सेल नोट एनी रिप्रेजेंट। हाँ, तो फॉर्म जो आप लोगों का कोई भी गलती हो जाती है उसको करेक्ट करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 मई है। स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, अब देख लेते हैं एग्जाम किस तरीके से होगा। देयर शैल बी ऑनलाइन CBT, तो आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पर आप लोगों का एक पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। उस पेपर के बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन देयर परफॉर्मेंस CBT कार्ड फॉर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। एक ही CBT होगा, एक ही पेपर होगा। कभी आप लोग बोले क्या सर इसमें दो पेपर होंगे, तो एक ही पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पर पेपर होगा। उसके बाद आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा किसके लिए, मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कितना गुना कैंडिडेट को, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा 10 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा पेपर 1 में, और 10 गुना कैंडिडेट का फिर क्या लिया जाएगा, मेडिकल लिया जाएगा इन ईच कैटेगरी। उसके बाद देर इज ए शॉर्टफॉल इन एनी कैटेगरी ग्रुप ऑफ मेल वैकेंसी टू एक्सटेंड ऑफ 10 टाइम। अगर आप लोगों की वैकेंसी फिर भी कम रह जाती है, भर नहीं पाती है, तो उसके बाद फिर से 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जा सकता है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3 की, तो 1/3 की इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम पैटर्न बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग बता दी है। दिस पोस्ट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पर्सन, PWD के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है।
उसके बाद क्लोक रूम तो आप लोगों का एग्जाम सेंटर पर रहता ही है। देन जनरल इंस्ट्रक्शन, तो ये तो खास आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। पोस्टिंग का देख लेते हैं। द इनपैलेट कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू जोन ए आर पी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जिस भी जोन में रिक्वायरमेंट होगी वहीं पर आप लोगों की पोस्टेड की जा सकती है। ऑल इंडिया में रेलवे है तो जहाँ भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग की जा सकती है। फ्री ट्रेन फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास पास एडमिसेबल टू SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइड देयर कॉल लेटर। तो ये तो जो भी एग्जाम सेंटर पर जाएंगे उनके लिए फ्री पास दिया जाता है SC/ST को। फिर उसके बाद कैंडिडेट आर वैकेंसी, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दे रखा आप लोगों का B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं अलग से एक इंटरव्यू लूँगा RPF का, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा क्या स्टैंडर्ड रहता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को उसमें मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों का एज लिमिट है, ये प्रिस्क्राइब एज नॉर्म 20 से 25 एज एप्लीकेबल टू द, तो 28 साल इन्होंने एज लिमिट रखी है मैक्सिमम एज, और वो आप लोगों की 14 मई तक होनी चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, तो एज पर द गवर्नमेंट्स नॉर्म दिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की, द डेट ऑफ शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो, तो किस डेट में आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो जो अपर लिमिट है डेट ऑफ बर्थ किसकी, UROBC की, वो 2 जुलाई 1996 है। इसके बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इससे बाद की है अपर एज लिमिट तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों की एज लिमिट है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद SC/ST की अपर एज लिमिट 2 जुलाई है, OBC की 2 जुलाई 1993 है, और आल कैंडिडेट 1 जुलाई 2004, मतलब इससे पहले आप लोगों का जो है इसके बाद के आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों की मिनिमम एज है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है कौन कौन भर पाएंगे। तो इसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर CEN द 14 मई 2004 सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर दियर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द। अच्छा, तो जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं, जिनका फाइनल ईयर सेमेस्टर चल रहा है, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो सिंपली ग्रेजुएशन ही होगी, वो अभी आएगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। फीस कितनी रहेगी आप लोगों की, फीस आप लोगों की 500 रहेगी UR की, और जो भी कैंडिडेट है वो 250 इसमें आप लोगों के रिफंड, 400 रिफंड हो जाएंगे आप लोगों के जब आप लोग इसका जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें अपियर हो जाएंगे। SC/ST और फीमेल, जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस 250 है, और 250 आप लोगों के रिफंड हो जाएंगे अगर आप लोग एग्ज़ाम में अपियर होंगे। अगर अपियर नहीं हो पाते हैं तो आप लोगों का जो रिफंड अमाउंट है रिफंड नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन होता है, तो इसमें कुछ ये ABC वाला है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार इस नोटिस को, फिर भी जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दूँगा। तो पैटर्न भी देख लेते हैं, तो यहाँ से आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया है। 90 मिनट में आप लोगों के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एग्ज़ाम पैटर्न है। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 1/3 के आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर जो भी कैंडिडेट यहाँ से पास होंगे, लगभग 10 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा, उनका आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल होगा, DV होगा, उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग रहेगी। सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, तो सब्जेक्ट आप लोगों का 35 नंबर का मैथ रहेगा, 35 नंबर की रीजनिंग रहेगी, तो 70 नंबर हो गए, और 50 नंबर के आप लोगों की GK रहेगी। तो बहुत ही इजी सिलेबस है, इंग्लिश इसमें आती नहीं है। मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा दूंगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों का रेलवे में हूँ, आप लोग जानते भी हैं, तो जो भी इसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आप लोगों के एक एक करके करवा दूंगा। तो ये आप लोगों का मेडिकल के बारे में है, तो ये हम लोग बाद में देख लेंगे, तो मेडिकल इसमें जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो मेल है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, और लॉन्ग जंप करनी है 12 फीट की, और हाई जंप करनी है 3 फीट 9 इंच की। और जो फीमेल है उनको सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप करनी है 9 फीट की, और हाई जंप करनी है 3 फीट की। तो ये आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये चेस्ट वगैरह के बारे में, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, UR की 165, SC/ST की 160 होनी चाहिए, और फीमेल की 157 एंड 152 होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो आप लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग भी होती है उसमें। देन अप्लाई करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कल आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये आप लोगों की टोटल RRB है, किस किस RRB से आप लोगों को अप्लाई करना है। ये फॉर्म आप लोगों का कल से शुरू होगा, आज से शुरू नहीं होगा, आज इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये इसमें सारी चीज़ें थी, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड, हाँ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सिंपली ग्रेजुएट है,
तो कौन अप्लाई कर पाएगा? तो सिंपली अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, एमए कर रखी है, बीकॉम कर रखी हो, या फिर आप लोगों ने बीटीसी, जो भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी होगी, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एज लिमिट आप लोगों की 20 से 28 रहेगी यूआर वालों के लिए। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, 35400 इसका बेसिक रहेगा। लेवल 6 की ये जॉब है दरोगा, जो आप लोगों का आरपीएफ में होता है। तो सिंपली ग्रेजुएशन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद ये आप लोगों की इसमें इन्होंने एनेक्सर बी आरपीएफ मेल एंड फीमेल, तो पोस्ट रैंक सब इंस्पेक्टर। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है, ये आप यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 384 वैकेंसी है और फीमेल की 68 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी हैं। उसके बाद ये आप लोगों के सर्टिफिकेट है कि किस फॉर्मेट में आप लोगों के सर्टिफिकेट बने होने चाहिए अगर आप लोगों को रिजर्वेशन का क्लेम करना है। तो ये आप लोगों की आरपीएफ में एसआई भर्ती की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी होगी, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है, वो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम लोग आरपीएफ में कॉन्स्टेबल की जो रिक्रूटमेंट आई है उसका नोटिफिकेशन है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।